हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी रीडिंग है, ये रीडिंग वाला सीरीज है, तो देखते हैं गाइस आज की जो स्टोरी है। यहाँ है कि व्हेन पापा स्कॉल्डेड मी। अगर आप टेंसेस जानते हैं दोस्तों, तो सारा खेल टेंस का है। कुछ कोलोकेशंस मिलेंगे ज़रूर, देख लीजिएगा। यहाँ व्हेन का मतलब क्या है? जब। तो व्हेन पापा यानी कि जब पापा ने स्कॉल्डेड मी, मुझे डांटा। ये कोई कब नहीं है, ये व्हेन मतलब यहाँ पर जब है। अगर कब होता तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब होता। तो जब पापा ने मुझे डांटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब सुनिए कहानी को, ईयरफोन लगा लीजिए, सुनिए। बेबी कम फॉर ब्रेकफास्ट, एकदम घरेलू मामला चल रहा है। बेबी यानी कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई बुला रहा है। कम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए आओ। योर मिल्क इज गेटिंग कोल्ड, तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है। देखिए गेट का कितना अच्छा इस्तेमाल है, गेटिंग कोल्ड। रट लिया कीजिए कोलोकेशंस, ठंडा हो रहा है, गेटिंग कोल्ड, ठंडा हो गया, गॉट कोल्ड। योर मिल्क इज गेटिंग कोल्ड, तुम्हारा दूध ठंडा हो रहा है। कॉल्ड भैया, भैया ने कहा। ये बेबी किसने कहा? भैया ने कहा। भैया कौन है? यहाँ एक अपोजिशन लगा हुआ है, माई एल्डर ब्रदर। भैया कौन है? मेरे बड़े भाई। तो ये कहानी वो बेबी सुना रहा होगा बड़ा होकर के। तो वो जो बेबी है वो इस कहानी को सुना रहा है कि जब मैं बच्चा था ना, तब की कहानी है कि मेरे जो भैया है उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ नाश्ते के लिए, आ जाओ, दूध ठंडा हो रहा है। आई क्विकली पुट ऑन माई स्लीपर। देखिए चप्पल पहनने को पुट ऑन, कितना अच्छा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है। क्विकली तुरंत ही, शीघ्र ही मैंने अपने चप्पल पहने। पिकड अप माई फेवरेट डॉल, पिकड अप उठाया अपने फेवरेट डॉल को, गुड़िया को, जिसका नाम क्या है? बीटा। ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा ये अपोजिशन होता है। ये डॉल के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डॉल कौन, इसका नाम बीटा है। एंड रस्ट आउट इन टू द वेरांदा। देखिए कितना प्यारा कोलोकेशन है। रस्ट, रस्ट, रश का मतलब होता है तेज से भागना। तो रस्ट आउट, बाहर भागा। बाहर भाग के कहाँ चला गया? इन टू द वेरांदा, वेरांदा में प्रवेश कर गया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, ये बहुत ही सुंदर दिन था। द मॉर्निंग एयर वॉज मोस्ट रिफ्रेशिंग, यानी कि जो सुबह की जो हवा थी वो मोस्ट, सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी, यानी कि एकदम रिफ्रेश, तरोताज़ा कर देने वाली थी। आह हाउ लवली, आह कितना प्यारा था। आई सेड अलाउड, अच्छा हाउ लवली की कितना प्यारा। आई सेड मैंने कहा, अलाउड मैंने ज़ोर से कहा, हाउ लवली। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, हाउ लवली, ऐसा मैंने कहा। आई रैन अक्रॉस द वेरांदा, अक्रॉस का मतलब था इस पार से उस पार, मैं वेरांदा के इस पार से उस पार भागा। विद बीटा, अपने डॉल के साथ, टक्ड अंडर माई आर्म। टक का मतलब होता है ऐसे टक कर लेते हैं, शॉर्ट वर्ड, आप घुसा लेते हैं अंदर, तो ऐसे ही टक कर लिया था, बीटा को अपने आर्म में टक कर लिया था और इधर से उधर भागा। वाइल आई गल्प्ड डाउन द मिल्क, वाइल का मतलब है उसके दौरान, यानी कि जब मैंने, गल्प डाउन का मतलब है गटक लेना, तो जब मैंने गल्प डाउन, दूध को गटक लिया, कितना प्यारा फ्रेजल वर्ब है गल्प डाउन। तो व्हाइल आई गल्प डाउन द मिल्क, जब मैंने दूध को गटक लिया, उसी वक्त आई हर्ड पापा, मैंने पापा को सुना, कॉलिंग आउट टू द ड्राइवर। कॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल आउट का मतलब है कि तुरंत किसी को फटाफट बुलाते हैं तो कॉल आउट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मैंने पापा को सुना कि उन्होंने फटाक से बड़ी इमरजेंसी में ड्राइवर को बुलाया। अब आगे देखिए, अब है कि यहाँ लिखा हुआ है कि पापा इज स्टिल हेयर, भैया, यानी कि पापा इज स्टिल हेयर, भैया, पापा अभी भी यहीं पर है। ही हैजंट गॉन टू द क्लिनिक टुडे, वो आज क्लिनिक नहीं गए हैं। हैजंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर कोई अभी भी उपलब्ध है, वो गया नहीं है, तो वहाँ पर डिडंट नहीं लगाएंगे, हैजंट बोलेंगे। ही हैजंट गॉन टू द क्लिनिक टुडे। आई सेड ओवरवेलम्ड विद जॉय, यानी कि ओवरवेलम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जॉय तो खुशी बहुत ज़्यादा थी, तो आई सेड मैंने कहा, ओवरवेलम्ड विद जॉय, यानी कि मैंने खुशी के मारे और बहुत ज़्यादा खुश होकर मैंने कहा कि भैया पापा इज स्टिल हेयर, पापा तो अभी भी यहाँ है। ही हैजंट गॉन टू क्लिनिक टुडे, आज वो क्लिनिक नहीं गए, वाओ। बींग एंग्रॉस्ड इन अ मैगजीन, बी का मतलब होना, तो होते हुए, एंग्रॉस का मतलब होता है खो जाना, तो एंग्रॉस्ड खोए हुए, तो बींग एंग्रॉस्ड यानी कि चूंकि खो गए थे, वो एकदम तल्लीन हो गए थे, तो तल्लीन होते हुए, किसमें तल्लीन थे? इन अ मैगजीन, मैगजीन में तल्लीन होते हुए। भैया डिड नॉट रिप्लाई, भैया ने आंसर नहीं दिया। बट आई कुड सी पापा, मैं देख सकता था पापा को, टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करते हुए, इन हिज रूम, उनके कमरे में।
विच वॉज अपोजिट द डाइनिंग हॉल. ये विच किसके लिए आया है, इस रूम के लिए आया. रूम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. ये विच से जो वाक्य बन रहा है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. ये कुछ बताता है कौन सा कमरा, वही कमरा विच वॉज अपोजिट, जो बिल्कुल सामने था किसके, द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल के फेसिंग द वेरांदा, वेरांदा को फेस करते हुए. ठीक है, आगे बढ़े. चल पापा पापा आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल. देखिए हैव टू का इस्तेमाल, मेरे को स्कूल नहीं जाने का है. हैव टू का मतलब कि पहले से प्लान्ड है करना है कि नहीं करना है. तो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मेरे को स्कूल नहीं जाना है. इट्स अ हॉलीडे, यानी कि डन है, तय है, लिख गया है कि नहीं जाना है. तो हैव टू लगेगा. यहाँ वन टू नहीं लग सकते हैं. वन टू हैव टू का फर्क है. अगर वन टू है मतलब आप चाहते नहीं हो जाना. हैव टू का मतलब जाना ही नहीं है भाई, नहीं जाना है. आज हॉलीडे है, डू यू हैव अ हॉलीडे टू, क्या आपका भी हॉलीडे है. लुक बीटा, लुक बीटा हैज़ गॉट फीवर. वो बेबी अपने पापा से कह रहा है कि पापा पापा मेरे को आज स्कूल नहीं जाने का है क्योंकि आज हॉलीडे है. आपका भी हॉलीडे है क्या पापा, देखो बीटा हैज़ गॉट फीवर, बीटा को ना बुखार लग गया है. आई सेड, मैंने कहा, ऑल इन वन ब्रेथ, मैंने एक ही सांस में कह दिया सब कुछ, मैंने एक सांस में कह दिया पापा पापा मुझे ना आज स्कूल नहीं जाना, आज स्कूल का हॉलीडे है, आपका भी हॉलीडे क्या, देखो देखो ना बीटा को बुखार चढ़ गया, एक सांस में बोल दिया. समझ रहे, नो नो माई डियर चाइल्ड, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आई डोंट हैव अ हॉलीडे टुडे, आज मेरी कोई छुट्टी नहीं है. यू गो, तुम जाओ, एंड प्ले, खेलो, वाइल आई टॉक टू मिस्टर सिंह. वाइल का मतलब उसी समय जब तुम जाओगे खेलोगे उसी वक्त मैं मिस्टर सिंह से बात करता हूँ. तुम जाओ खेलो, हालांकि मैं मिस्टर सिंह से बात करता हूँ. ही इज़ वेरी इल, ये बहुत बीमार है. आई आस्क द कंपाउंडर टू गिव योर डॉल सम मेडिसिन. मैं कंपाउंडर से कह दूंगा कि आपको आपके डॉल के लिए दवाई दे. देखो आई आस्क द कंपाउंडर, यहाँ आस्क का मतलब कोई पूछना नहीं है, कुछ करने के लिए कहना है. आई आस्क द कंपाउंडर, मैं कंपाउंडर से कहूँगा क्या करने के लिए, टू गिव, देने के लिए. योर डॉल किसको देना है, तुम्हारी गुड़िया को क्या देना है, सम मेडिसिन. पापा सेड लविंगली, पापा ने बड़े प्यार से कहा. ठीक है जी, आगे देखें. चलो जी, इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल टू फाइंड माई फादर एट होम एट दैट टाइम. अनयूजुअल का मतलब है कि अक्सर ऐसा होता तो नहीं है, तो एक अनयूजुअल सी बात थी, एक चकित आश्चर्य वाली बात थी, ऐसा होता नहीं था. टू फाइंड माई फादर एट होम एट दैट टाइम, उस वक्त अपने पिताजी को घर पर देखना एक अनयूजुअल था, अक्सर वो होते नहीं थे. नॉर्मली ही वॉज इन हिज क्लिनिक, नॉर्मली अपने क्लिनिक में होते थे. बिफोर आई वोक अप, मेरे उठने से पहले, बिफोर आई वोक अप ही वॉज इन हिज क्लिनिक. सो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था. माई फादर वाइप्ड हिज स्पेक्टिकल्स, चश्मे को पोछा विद द करचिफ, करचिफ मतलब हैंड करचिफ, अपने रुमाल से चश्मे को पोछा. एज ही लिसेंड टू हिज पेशेंट केयरफुली, एज जैसा कि उन्होंने अपने पेशेंट को केयरफुली ऐसे लिसन किया और वो चश्मे को पोछा. यहाँ तक सही. आई वॉज ऑन द बालकनी, देखिए बालकनी के लिए प्रेपोजिशन कौन सा यूज हो रहा है, ऑन हो रहा है. तो मैं बालकनी में था, तो डजेंट मैटर कि हिंदी में आ रहा है कि क्या आ रहा है, अंग्रेजों का अपना भैया फिक्स्ड है, बना बनाया है. बालकनी में था, आई वॉज ऑन द बालकनी वेन आई हर्ड, जब मैंने सुना, बेबी बेबी कम हेयर सी दिस, इट वॉज माई ब्रदर फ्रॉम द वेरांदा, वेरांदे से ये मेरा भाई था जो मुझे बेबी बेबी करके बुला रहा था. ही हैड स्प्रेड हिमसेल्फ ऑन एन ईजी चेयर, उसने खुद को ऐसे स्प्रेड फैला रखा था खुद को एक आराम कुर्सी पर, मतलब पसर के बैठा हुआ था. And our dog, Tom, was dancing round on his hind legs. और हमारा जो कुत्ता जिसका नाम टॉम है वो नाच रहा था अपने हाइंड लेग का मतलब पिछले पैरों पर, अपने हाइंड लेग्स पर वो नाच रहा था. आई बर्स्ट आउट लाफिंग, मैं ज़ोर से हंस पड़ा. तो कितना प्यारा को लोकेशन है, बर्स्ट आउट लाफिंग कई बार बता चुका हूँ, हाइंड लेग्स बता चुका हूँ पिछला पैर होता है. ठीक है जी, चलिए. पापा विल गिव मेडिसिन टू बीटा, आई सेड शोइंग ऑफ, मैंने दिखाते हुए कहा कि पापा ना बीटा को मेडिसिन देंगे, दवाई देंगे. एंड आई आस्क पापा टू गिव सम मेडिसिन टू हिज डार्लिंग डॉटर बिकॉज बिकॉज शी लव्स एंड लव्स, सेड भैया. भैया ने कहा कि ठीक है, मैं पापा से कहूँगा कि वो प्यारी सी बिटिया को भी दे दे, अच्छा ये लड़की जो बेबी है बिटिया है, प्यारी सी बिटिया को भी दे दे दवाई, क्योंकि वो हंसती है और हंसती है,
भैया ने कहा टिकलिंग मी, मुझे गुदगुदाते हुए, टिकलिंग मी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए गुदगुदाते हुए, एंड सेंडिंग मी इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर। अब कोई टिकल करेगा तो आपको कहाँ कहाँ भेज देगा, आपको हंसी के उस जोन में ले जाएगा, यू नो, टिकल करते हुए। तो टिकलिंग मी एंड सेंडिंग मी इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, कितना प्यारा ये कोलोकेशन है कि एकदम हंसी की अवस्था में मुझे भेजते हुए। बीइंग द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा बच्चा, एकदम यंगेस्ट होने के नाते इन द फैमिली, परिवार में, आई रिसीव्ड एवरी वंस अटेंशन, मैंने सबका ध्यान अपनी तरफ पाया, रिसीव किया, एंड अफेक्शन, सबका प्यार भी रिसीव किया। पापा ऑफकोर्स वॉज द मोस्ट अफेक्शनेट, वाकई पापा जो थे वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले थे, सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट थे। आई रैन फ्रॉम वन एंड ऑफ द वेरांदा टू द अदर एंड, यानी कि मैं वरांदा के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक ओर से दूसरे ओर तक भागा। देन ऑन टू द बालकनी, फिर मैं तुरंत बालकनी में चला गया। स्टेइंग क्लोज टू पापाज रूम, पापा के कमरे के एकदम पास वाले में, स्टेइंग क्लोज टू पापाज रूम टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, यानी कि उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वो बालकनी कहाँ है, स्टेइंग क्लोज टू पापाज रूम, पापा के कमरे के पास ही वो बालकनी है, तो मैं उस बालकनी में चला गया टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, उनके अटेंशन को खींचने के लिए। वाइल आई प्लेड, जब मैं खेला, आई स्वंग ऑन द कर्टन, स्विंग से बना स्वंग, यानी कि मैं कर्टन पे झूला, थम्प्ड ऑन द डोर, दरवाजे पे मैंने थम्प यानी कि जोर से धप धप किया, टैप्ड ऑन द टेबल, टेबल पर मैंने ऐसे थप थप किया, पुल्ड एंड पुश्ड द चेयर, मैंने कुर्सी को खींचा, पुश किया। लुक भैया व्हाट अ वैरायटी ऑफ साउंड्स दे मेक, देखो भैया कितना मजा आ रहा है ना, अलग अलग तरह के साउंड आ रहे हैं, कितने वैरायटी ऑफ साउंड ये बनाते हैं। आई सेड पुलिंग द चेयर, मैंने चेयर को खींचते हुए कहा, जब चेयर खींचेंगे तो साउंड आएगा। देन लीपिंग अप एंड रैपिंग ऑन द डोर, यानी कि लीप का मतलब क्या होता है, कूदना, देन लीपिंग अप यानी कि कूदते हुए, एंड रैपिंग ऑन द डोर, डोर पे ऐसे धप धप करते हुए, क्लैपिंग माई हैंड्स, अपने हैंड से तालियां बजाते हुए, जंपिंग ऑल द वाइल, और पूरा कूदते हुए, मतलब फुल एंटरटेनमेंट किया इस बच्चे ने। डोंट प्लीडेड भैया, भैया ने कहा नहीं, नॉट टेकिंग हिज आईज ऑफ, यानी कि मत करो ये सब, भैया ने कहा मत करो ये सब। नॉट टेकिंग हिज आईज ऑफ, आईज ऑफ का मतलब होता है कि नज़रें झुकाना, नज़रें हटाना, नज़रें हटा नहीं रहे थे, किससे, द बुक इन हिज हैंड, जो किताब उनके हाथ में थी उससे नज़रें भी नहीं हटा रहे थे। रेसिंग बैक टू द विंडो ऑफ पापाज रूम, रेस का मतलब दौड़ के जाना, दौड़ते हुए, बैक टू द विंडो, उस खिड़की के पास दौड़ के जाते हुए, कौन सा खिड़की, पापा के कमरे का। आई सॉ हिम, मैंने उनको देखा, स्टिल बिजी, अभी भी बिजी थे विद द पेशेंट, अपने पेशेंट के साथ। आई लव्ड टू सी हिम देयर बिफोर मी, आई लव्ड टू सी हिम देयर बिफोर, यहाँ बिफोर का मतलब है सामने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनको अपने सामने देखकर। वाइल आई प्लेड, जब मैं खेला, यानी कि यहाँ होना चाहिए था वाइल आई वॉज प्लेइंग, बट ओल्ड इंग्लिश में से चलता है, यानी कि जब मैं खेल रहा था तो उनको अपने सामने देखकर अच्छा लगा। ही मस्ट बी लाइकिंग इट टू, उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, आई थॉट, मैंने सोचा। टू सी मी प्ले अराउंड इन हिज रूम, मुझे खेलता हुआ देखकर, अराउंड इन हिज रूम, अपने कमरे के अराउंड चारों तरफ मुझे खेलता हुआ देखकर उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। चल, आई ड्रैग्ड अ चेयर, मैंने कुर्सी को खींचा, ड्रैग किया, ड्रैग का मतलब क्या होता है, ऐसे घसीटना, एंड क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल, और मैं टेबल पर चढ़ गया। दिस एट लास्ट ड्र्यू पापाज अटेंशन, और ये जो एक्टिविटी थी अंततः खींचा पापा के ध्यान को, पापा के ध्यान को खींचा। बेबी बी केयरफुल, बेटा सावधान हो जाओ, यू विल फॉल डाउन, अब गिर जाओगे नीचे। ही सेड टेंडरली, बड़े नाजुक पने से, बड़े प्यार से कहा, बेटा नीचे गिर जाओगे, केयरफुल हो जाओ, ठीक है। लुक पापा आई एम टॉलर देन एवरीवन, देखो पापा मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे लंबा हूँ। आई ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, कितना प्यारा ये है ना, ग्रीन मतलब मुस्कुराया, ईयर ईयर टू ईयर मतलब बहुत ज़्यादा मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक चली गई। मेकिंग माई आईज डिसअपीयर, है डिसअपीयर, आई ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मेकिंग माई आईज डिसअपीयर, ये क्या मतलब, अपनी आंखों को डिसअपीयर करके मैं मुस्कुराया। ऑल वन कुड सी वॉज अ सेट ऑफ वाइट टीथ
एंड चबी चिक्स। अच्छा, आंखों को कुछ ऐसा कर लिया होगा और मुस्कुरा रहा होगा। ऑल वन कुड सी, कोई भी अगर देख सकता था तो सिर्फ क्या देख सकता था, सेट ऑफ वाइट टीथ, सिर्फ उसके मेरे सफ़ेद दांत दिखते और चबी चीक्स और ये मोटे मोटे गाल दिखते। बोथ मिस्टर सिंह एंड पापा स्माइल, दोनों जो पेशेंट थे और पापा थे दोनों ने मुस्कुराया। पापा डिड नॉट लुक कन्विंस्ड, पापा उतने कन्विंस्ड दिखे नहीं कि हाँ उनको अच्छा लगा। सो आई सेड अगेन रेजिंग माई हैंड्स, अपने हाथ को उठाते हुए मैंने कहा, अबव माई हेड, अपने हेड के ऊपर अपने हाथ को ऐसे उठाते हुए मैंने कहा दोबारा, पापा आई एम अ बिग गर्ल नाउ, अब मैं बड़ी लड़की हो गई हूँ, बड़ी बच्ची। ही नॉडेड विद अ स्माइल, उन्होंने मुस्कुराते हुए नॉड किया, सर हिलाया हाँ में, एंड कंटिन्यू टॉकिंग टू द पेशेंट, और पेशेंट से बात करना कंटिन्यू रखा। ठीक है जी, चलिए। आई टच्ड ऑल दैट आई कुड रीच, अच्छा मैंने उन सारी चीज़ों को छू दिया दैट आई कुड रीच, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था, विद माई हैंड्स, अपने हाथों से मैं जहाँ तक पहुँच सकता था सब कुछ छू दिया मैंने। टिल आई गॉट टू द ब्लैक स्विच, और जब तक मैं उस ब्लैक स्विच तक नहीं पहुँचा मैं तब तक सब कुछ मैं छू रहा था, मीन्स आई कुड रीच विद माई हैंड्स टिल आई गॉट टू द ब्लैक स्विच, मतलब समझ में आ रहा है। आई टच्ड ऑल, मैं उन सब चीज़ों को मैंने छुआ जिसको, दैट का मतलब है जिसको, दैट आई कुड रीच, जिसको जिस तक मैं पहुँच सकता था विद माई हैंड्स, टिल का मतलब होता है अंत तक, आई गॉट टू द ब्लैक स्विच, यानी कि ब्लैक स्विच तक जब मैं पहुंचा तब तक तो सब कुछ छू लिया था। नो यू शुड नॉट टच इट, तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए। आई वॉज इमेजिनिंग, मैं इमेजिन कर रहा था व्हाट माई मदर वुड हैव सेड, मेरी माँ ने क्या कहा होता, अगर मेरी माँ ने देख लिया होता, इफ माई मदर हैड सीन शी वुड हैव सेड डोंट डू इट, डोंट टच इट लाइक दिस, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि मम्मी ऐसे ही कहती, If you touch it, अगर तुम छूओगे, you will get hurt, तुम्हें चोट लग जाएगी। भैया had told me once, भैया ने एक बार मुझे कहा था। This was a forbidden, ये एक एकदम मनाही है article, forbidden article for me, मतलब ये ना छूने वाला मेरे लिए चीज़ है। But now attractive, it looked, but अभी बड़ा attractive ये दिखता है। Black against the light blue wall, यानी कि light blue wall के against, against का मतलब कि उसके ठीक सामने उस पर एक ब्लैक स्विच लगा है, तो बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। अनेबल टू रिसिस्ट द टेम्पटेशन टू टच इट, अनेबल मतलब बिल्कुल बस की नहीं है, रिसिस्ट का मतलब होता है उसको रोकना, द टेम्पटेशन मतलब लालच टू टच, यानी कि जो टच करने की जो लालच, जो टेम्पटेशन थी उसको रिसिस्ट करने में असमर्थ होकर, आई प्रेस्ड द स्विच, मैंने स्विच को आखिर दबा ही दिया, एंड द लाइट केम ऑन, और लाइट जो है वो चालू हो गया। कितना अच्छा केम ऑन का इस्तेमाल किया गया, लाइट ऑन हो गया। आई इमिडिएटली स्विच्ड इट ऑफ, मैंने तुरंत ही इसको बंद कर दिया। आई वॉज, देखिए कितने अच्छे सेंटेंसेस यूज हुए हैं। ये है वो व्यक्ति, ये है वो लड़की, ये स्विच ऑन ऑफ कर रही है, ये पापा हैं जो डॉक्टर हैं, और ये मिस्टर सिंह है जो पेशेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, टेबल पर है, कुर्सी को खींचा था, टेबल पर चढ़ गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि I was scared, मैं डरी हुई थी। I looked at papa, मैंने पापा की तरफ देखा with large anxious eyes. Anxious का मतलब चिंतित, भरी नज़रों से मैंने उन पर उनकी तरफ देखा। But he was busy writing, लेकिन वो लिखने में बिजी थे। देख रहे, बिजी के बाद कोई प्रपेशन नहीं है। आई एम बिजी प्लेइंग, जरूर नहीं कि आप इन लगाओ आई एम बिजी इन प्लेइंग, तो आई वॉज बिजी राइटिंग, मैं लिखने में बिजी था, तो ही वॉज बिजी राइटिंग, वो लिखने में बिजी थे। ही डिड नॉट सी मी, उन्होंने मुझे देखा नहीं। I looked at papa again and मैंने पापा को दोबारा देखा, and then at the switch which begged my hands to touch it again, मैंने पापा को दोबारा देखा, फिर मैंने स्विच को देखा, वो स्विच which begged me, जिसने मुझसे ऐसा प्रार्थना किया, मेरे हाथों को प्रार्थना किया स्विच ने कि मुझे आओ दोबारा छू। क्या लिखा है, दोबारा मुझे टच करो। अच्छा जी, फिर क्या हुआ देखिए। I will do it just once more, okay? मैं बस एक बार और करूँगी। I said softly to myself, मैंने अपने आप से कहा बस एक बार और छूँगी। I repeated the mischief once more, मैंने उस शरारत को एक बार फिर से रिपीट किया, and was unable to stop myself from doing it again, और दोबारा करने से मैं खुद को रोकने में असमर्थ थी। एंड अगेन, और दोबारा करने से, आई seemed to have disturbed papa, ऐसा लग रहा था कि मैंने पापा को डिस्टर्ब कर दिया था।
आई सीम्ड पास्ट है तो ये भी पास्ट में ही आएगा, देखने में ये प्रेजेंट लग रहा होगा। आई सीम्ड, मुझे मतलब मेरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने पापा को डिस्टर्ब कर दिया था। हु वॉज, जो जो कॉन्सेंट्रेटिंग, जो बिल्कुल फोकस कर रहे थे ऑन द पेशेंट्स प्रॉब्लम, पेशेंट के प्रॉब्लम पे, विदाउट लुकिंग अप फ्रॉम द बुक, बुक से बिना ऊपर देखे ही से उन्होंने कहा इन अ सीरियस वॉइस, बहुत ही सीरियस आवाज में, डोंट डू दैट, यू माइट गेट अ शॉक, मत करो, तुम्हें करंट लग सकता है, तुम्हें एक शॉक लग सकता है। द क्लिक क्लैक ऑफ द स्विच, स्विच करता है ना क्लिक क्लैक, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लिक क्लैक, लिख लीजिएगा। द क्लिक क्लैक ऑफ द स्विच एंड द ग्लोइंग बल्ब, वो जो बल्ब चमक रहा होता है ना बल्ब, फैसिनेटेड मी, मुझे एकदम मंत्र मुग्ध कर दिया, मुझे खींच लिया अपनी तरफ। बेबी कम हियर, लेट पापा डू हिज वर्क, कॉल्ड माई ब्रदर, मेरे भाई ने कहा बेबी इधर आओ, पापा को अपना काम करने दो। आई इग्नोर्ड एवरीबॉडी, मैंने सबको इग्नोर किया। दिस वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग गेम फॉर मी एट द मोमेंट, उस वक्त ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक फैसिनेटिंग, कमाल का, एकदम अट्रैक्टिव गेम था उस वक्त। हाउ फैंटास्टिक, कितना अच्छा था। आई प्रेस, मैं दबाता हूँ, द लाइट इज़ ऑन, लाइट ऑन हो जाता है। आई पुश, मैं धक्का देता हूँ, द लाइट गोज ऑफ, लाइट बंद हो जाता है। आई मटर्ड, मैंने अपने मन में बुदबुदाया कि वाह यार कितना प्यारा गेम है ये। द पेशेंट ओबियसली हैड सम सीरियस प्रॉब्लम, पेशेंट को वाकई ओबियस सी बात है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम थी। माई फादर सैट विद फोर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ हिम, मेरे पिताजी चार किताबों, खुली हुई चार किताबों के साथ बैठे उनके सामने। माई रनिंग अराउंड हैड सर्टेनली डिस्टर्ब्ड हिम, मेरा, देखो कितना प्यारा है ये, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जेरेंड का इस्तेमाल देख लीजिए कि माई रनिंग, मेरा दौड़ना, अराउंड चारों तरफ मेरा दौड़ना, हैड सर्टेनली डिस्टर्ब्ड हिम, वाकई उनको डिस्टर्ब कर चुका था। कंप्लीटली एग्जॉस्पिरेटेड, पूर्ण रूप से गुस्से में आकर, ही पुट डाउन हिज पेन, उन्होंने अपना पेन नीचे रख दिया एंड स्पेक्टिकल्स भी रख दिया, एंड शाउटेड एट मी, चिल्लाया मुझ पर, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, गेट डाउन फ्रॉम देयर, तुम मुझे सुन नहीं रही हो, उतरो वहां से, गेट डाउन फ्रॉम देयर। हिज लाउड वॉइस ब्रोक माई ट्रांस, उनके इस ऊंची आवाज ने मेरे ट्रांस का मतलब क्या होता है, बड़ा प्यारा वर्ड है, ट्रांस का मतलब होता है ना, इसकी हिंदी में नहीं कर पाऊंगा, सिचुएशन कर पाऊंगा। ट्रांस का होता है कि आप अपनी एक दुनिया में खो गए, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रही उसकी एक दुनिया है, वो भूल गई चारों तरफ क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई भी दुनिया आपकी हो सकती है ना, और अचानक कोई आपको उस दुनिया से वापस ले आया, तो आपने अपने ट्रांस को, उस जादू भरी नगरी को अपने तोड़ दिया, तो ये वाला फीलिंग है। हिज लाउड वॉइस ब्रोक माई ट्रांस, अब इसकी हिंदी आप ढूंढ लेने क्या है, मेरे उस सपनों की दुनिया को तोड़ दिया उनकी आवाज़ ने। आई गेप्ड एट हिम वाइड आइड, गेप का मतलब होता है, गेप एट का मतलब होता है कि सरप्राइज होकर किसी को देखना और मुंह खुल जाना, तो एकदम मुंह खुले हुए ढंग से मैंने उनकी तरफ देखा, बड़ी बड़ी आंखें करके। ही फिक्स्ड हिज गेज ऑन मी, उन्होंने अपने एकदम वो नज़रें मुझ पर फिक्स कर ली। एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड इंस्टेंटली, वो उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्टिंग उम्मीद कर रहे थे टू बी ओबेड, कि मेरा जो डाटा है इसको तुरंत ओबे हो जाए। आई वॉज शॉक्ड एट बींग स्कॉल्डेड, मैं एकदम शॉक्ड था, किस चीज़ पर शॉक्ड था, एट बींग स्कॉल्डेड, डांट सुनकर, सो लाउडली बाई हिम, उनके द्वारा इतने जोर से, स्कॉल्डेड बाई पापा, पापा के द्वारा मैं डांट पड़ गई, पापा अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, पापा जो कि इतने सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े प्यार से बोलते, उन्होंने डांट दिया। हु वॉज नोन नेवर टू रेज हिज वॉइस, जिनको जाना जाता है कि कभी अपनी आवाज़ ऊपर नहीं उठाते हैं, हैड शाउटेड इन एंगर, उन्होंने मुझ पर एंगर से चिल्लाया, एट हिज डार्लिंग डॉटर, अपनी प्यारी सी बेटी पर, आई वॉज वेरी एंग्री विद हिम, मैं बहुत नाराज थे उनसे। अरे समझ में, चलिए। आई जम्प्ड डाउन फ्रॉम द टेबल, मैं टेबल से कूदी विद अ लाउड थड, धम से आवाज करके, कितना प्यारा कोलोकेशन है, विद अ लाउड थड, एंड रेस्ट अप, रेस अप का मतलब होता है तेजी में भागा, रेस्ट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे भागा द बालकनी। माई ब्रेथ क्विकेंड, क्विक मतलब सांस और तेज हो गई। माई फेस वेंट रेड विद एंगर, मेरा चेहरा जो है वो गुस्से से लाल हो गया, एंड माई आईज फेल्ट हॉट विद अनशेड टीयर्स, और मेरी आंखें फेल्ट हॉट, एकदम गर्म हो गई विद अनशेड टीयर्स, अनशेड का मतलब अभी बहे नहीं थे, बिना बहे हुए आंसुओं से।
थ्रोइंग माई हैंड्स अबाउट आई रेस्ट अप एंड डाउन थ्रोइंग माई हैंड्स अबाउट ये कोई idiom सा लग रहा है थ्रोइंग माई हैंड्स अब हो सकता है हाथ ऐसे उधर चारों तरफ फेंका हो हाथ वाथ पटकते हुए आई रेस्ट अप मैं तेज भागी डाउन रेस्ट अप एंड डाउन ऊपर नीचे भागी वांटिंग टू एक मिनट ऊपर नीचे भाग कहाँ रही थी वांटिंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग चाह रही थी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं दैट केम इन माय वे जो मेरे रास्ते में आया मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं कभी ऊपर कभी नीचे हियरिंग द कमोशन भैया केम आउट कमोशन मतलब शोर शराबा को सुनकर भैया बाहर आ गए व्हाट इज इट क्या है ये ही आस्क्ड उन्होंने पूछा माई फ्यूरी है ना माई फ्यूरी फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा माई फ्यूरी फाउंड अ रेडी विक्टिम एंड आई रैन टुवर्ड्स हिम अच्छा मेरे गुस्से ने पाया एक तैयार विक्टिम को पीड़ित को एंड आई रैन टुवर्ड्स हिम और मैं बिल्कुल उनकी तरफ भागी मतलब कि होता है ना कि कोई मिल गया शिकार वो विक्टिम मिल गया मुझे क्या मैं उनकी तरफ भागी एंड पुश्ड हिम और उनको धक्का दिया आई फेल्ट लाइक बर्स्टिंग इन टू टीयर्स मेरा मन किया कि मैं एकदम रोऊं बर्स्ट इन टू टीयर्स आंसू में बह जाऊं रो दूं आई रस्ट एंड पुल्ड एट द कर्टन मैं भागी और कर्टन को खींचा इन पापाज रूम पापा कमरे में विच केम डाउन विद द फोर्स वो उस फोर्स के साथ उस झटके के साथ वो नीचे आ गया आई सॉ पापा टॉकिंग टू द पेशेंट मैंने देखा पापा पेशेंट से बात कर रहे थे विद हिज यूजुअल पेशेंस अपने उस धैर्य के साथ अपने उस पेशेंस के साथ अपने पेशेंट से बात कर रहे थे हाउ अनथॉटफुल ऑफ हिम कैसे उन्होंने नहीं सोचा कितनी अनथॉटफुल है कितनी उनकी समझ नहीं है ही इज नॉट अन बिट बॉदर्ड अबाउट माई बींग सो एंग्री माई बींग मेरा एंग्री होने के बारे में वो थोड़ा सा भी बॉदर्ड नहीं चिंतित नहीं है अच्छा माई बींग एंग्री विद हिम मैं उनसे नाराज हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बॉदर्ड नहीं है आई वॉज फ्यूमिंग ऑल द मोर का मतलब और भी ज़्यादा मैं और भी ज़्यादा गुस्से में एकदम उबल रही थी फ्यूमिंग ऑल द मोर अब देखिए आई वेंट बैक इन टू द रूम मैं कमरे में वापस गई स्टैम्पिंग माई फीट अपने पैर को पटकते हुए नॉइजली इन एंगर एंगर में एकदम शोर मचाते हुए पैर को पटकते हुए अंदर गई स्टैंडिंग क्लोज टू पापा पापा के सामने एकदम नज़दीक खड़े होते हुए आई रेज्ड वीहेमेंटली रेज ये गुस्सा रेज मतलब गुस्सा दिखाना तो टेंस सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुआ है तो मैंने गुस्सा दिखाया वीहेमेंटली एक बार रेज ढूंढ लीजिएगा रेज रेज गुस्से से रिलेटेड ही है ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स उस जमाने के दिए हैं ना रेज्ड आई होप सो गुस्से से रिलेटेड आई रेज्ड यानी कि मैंने गुस्सा दिखाया वीहेमेंटली का मतलब होता है जोर से एकदम विगोरेसली वाली वीहेमेंटली व्हाई कुडंट यू से इट सॉफ्टली आपने प्यार से क्यों नहीं कहा व्हाई डिड यू स्पीक सो लाउडली टू मी आपने इतने जोर से मुझे क्यों कहा अब देखते हैं द नेक्स्ट मोमेंट आई केम आउट नेक्स्ट मोमेंट आई केम आउट ऑन द बालकनी बालकनी बाहर आई एंड स्टूड बिसाइड द मनी प्लांट पॉट और मनी प्लांट के उस पॉट के बगल में मैं बगल में खड़ी हो गई माई आईज वर नाउ फुल ऑफ टीयर्स मेरे जो आईज थे वो आंसुओं से भरे हुए थे आई प्लग्ड अ लीफ मैंने एक पत्ता तोड़ा एंड श्रेडेड इन टू पीसेज उसको तोड़ तोड़ के मैंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए द साउंड ऑफ अ चेयर बींग पुस्ट देखिए साउंड ऑफ द चेयर कुर्सी की आवाज़ कौन सी कुर्सी बींग पुस्ट जिसे खींचा जा रहा था इन पापाज रूम रीच्ड माई ईयर वो मेरे कान तक पहुँचा एंड देन आई हर्ड हिज फुट स्टेप्स कमिंग क्लोजर टू मी मैंने उनके पैरों कदमों की आवाज़ सुनी कमिंग आते हुए क्लोजर टू मी मेरे करीब आते हुए आई ट्राई टू रन अवे इन एनॉयंस मैं गुस्से में मैंने भागने की कोशिश की बट पापा कॉट मी पापा ने मुझे पकड़ लिया ही पुल्ड माई फेस टूअर्ड्स हिज अच्छा ही पुल्ड उन्होंने खींचा मेरे चेहरे को अपनी तरफ टूअर्ड्स हिज एक मिनट हिज एंड पिक्ड मी अप यहाँ हिज का मतलब कि अपने चेहरे की तरफ ही पुल्ड माई फेस टूअर्ड्स हिज पे रुक गया ना तो हिज का मतलब उनके चेहरे की तरफ नहीं तो हिम होना चाहिए एंड पिक्ड मी अप और मुझे उठा लिया Tears came rolling down my plump cheeks. Plump मतलब heavy, दलदला सा एकदम वैसे चबी तो मेरे उस चबी चीक से रोल होता हुआ tears नीचे आया He patted my head lovingly. उन्होंने मेरे head को pat किया थपथपाया बड़े प्यार से and wiped my tears. मेरे आंसुओं को पोंछ डाले कितना प्यारा टेंस यूज हुआ है एक मिनट ओह यू बिग कैट ओ मेरी बड़ी सी बिल्ली सेड पापा पापा ने कहा
रफलिंग माई हेयर, रफल का मतलब होता है ऐसे ऐसे कर देना, तो रफलिंग माई हेयर, मेरे बाल को ऐसे रफल करते हुए। दिस अफेक्शनेट जेस्चर, ये प्यार भरा जो जेस्चर था, ये जो बिहेवियर था, हाव भाव था, मेल्टेड माई रैथ, रैथ मतलब गुस्सा, मेरे गुस्से को पिघला दिया। अ मोमेंट लेटर, एक पल बाद, आई वॉज वंस अगेन हैप्पी प्लेइंग राउंड द हाउस, मैं फिर से खुश थी राउंड द हाउस, घर के चारों तरफ खेलते हुए। आई थिंक कम्प्लीट, कम्प्लीट। तो बस यही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। वीडियो को कीजिएगा लाइक, थैंक यू गाइस।